राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम आए हैं खाटू श्याम। सो ये है खाटू श्याम का तोरण दरबार, आप देख सकते हैं। तो हम बस एंट्री लेने वाले हैं। हम रात को चले थे, सुबह चले थे 3 बजे और हम पहुंच गए थे 10 बजे। वैसे हम 8 बजे पहुंच जाते बट हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वजह से हमें 2 घंटा लेट हो गया। तो चलो चलते और दर्शन करते हैं। और सब जा रहे हैं दर्शन के लिए। टाइम भी ज्यादा हो गया है, टाइम हो गया है 11:30 और मंदिर क्लोज ना हो जाए, तो सब जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आगे चल रहे हैं मम्मी पापा और गोलू। मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, बस हम यहाँ से और फिर हम जाएंगे। गाइस, हम मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी तो पूरा खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि 5 मिनट बचे हैं बस दर्शन के लिए, फटाफट भागते भागते हुए हम जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर हो रहा है पानी का छिड़काव गर्मी की वजह से, बिकॉज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और इस पंखे के थ्रू और इस तार के आप देख रहे हो वाइट वाइट, ये है पानी और पूरा पानी का छिड़काव हो रहा है जिससे कि भक्तों को गर्मी ना लगे। और अभी चल रहा है, भोग लग रहा है, भोग चढ़ रहा है, तो यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं और जब तक हम ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हैं। और ये है श्याम का श्याम। अब जा रहे हैं हम नीचे और यहाँ पर है ये ठंडा पानी। सो गाइस, हमारे श्याम बाबा के दर्शन हो चुके हैं और श्याम कुंड के भी दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पुष्कर। तो चलो चलते हैं और आपको वहाँ का नजारा दिखा दे कि गर्मी हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, गर्मी है तो गर्मी ही होगी, ठंडी तो पड़ेगी। तो चलो चलते हैं। अजमेर और अब हम जा रहे हैं शरीफ दरगाह। हमने पार्किंग में कार पार्क कर दी है, चलो चलते हैं और दरगाह देखते हैं यहाँ की दरगाह कैसी है। माना जाता है कि यहाँ की दरगाह अजमेर की सबसे बड़ी दरगाह ये है, तो जाकर हम विजिट कर रहे हैं। चलो हम दर्शन करके आ चुके हैं। हम ले रहे हैं सॉफ्टी, शुगर डैडी वाली सॉफ्टी नहीं है बट ये यहाँ की सॉफ्टी है। ये पैसे दो, पैसे भी देने क्या? तो गाइस, हमने अजमेर में दर्शन कर दी है, आइसक्रीम भी खा ली है, हम जा रहे हैं पार्किंग में। देन वहाँ से अपनी कार उठाएंगे चलेंगे पुष्कर। पुष्कर जाके ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद कुछ खाएंगे पियेंगे मॉर्निंग में, बस ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। तो मिलता आपको जब गाइस, पुष्कर जाते वक्त हमें एक स्पॉट मिला फ़ोटो क्लिक करने का, तो वहाँ से ना जो व्यू है बड़ा प्यारा आ रहा था। हमने फ़ोटो वोटो क्लिक करनी बट वीडियो बनाना भूल गए क्योंकि सनसेट होने वाला था ना, इसलिए आप देख सकते हो व्यू कितना प्यारा है यहाँ का।
पे खड़ी है। यहाँ पे लोग इतना प्यारा व्यू है, बादल कितने अच्छे आ रहे हैं। हाँ यहीं से रास्ता है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है भाई यहाँ का। सनसेट हो गया, अब सन जा चुका है नीचे। हमने फोटो क्लिक करने में सारा टाइम वेस्ट कर दिया। पापा हॉर्न मार रहे हैं, लेट हो गए हम, ये मंदिर बंद हो जाएगा फिर। चलो चलते हैं, टाइम मिलते हैं आपसे। हम पहुंच चुके हैं पुष्कर की गलियों में और यहाँ की मार्केट देखते हैं कितनी यूनिक मार्केट है। यहाँ पे बहुत यूनिक यूनिक चीजें मिलती है। ये देखो आप सबके लिए भूत बंगले यहाँ की ड्रेसेस बहुत यूनिक दिख रही है मुझे। यहाँ तो मुझे दिल्ली में भी नहीं दिखती, तो यहाँ पुष्कर में दिख रही है। बाकी हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। हमारा मेन मोटिव पहले है मंदिर के दर्शन करना, देन उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करना। तो पहले हम मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी प्यारी प्यारी बुक्स है, बुक्स कवर इनके अच्छे हैं, कितने प्रिटी प्रिटी है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है और मार्केट भी अच्छी है। अभी हम मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। गाइस यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल घाट है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सुंदर लग रहा है। पहले हम अपने शूज यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद घाट देखेंगे। वो कितना प्रिटी है। यहाँ चल रही है पूजा और ये है घाट का व्यू। सी कितना ब्यूटीफुल है, ब्लू कलर का पानी और एकदम क्लियर पानी है, एकदम साफ। ओह सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मंदिर में पहुँच चुके हैं काफ़ी चलने के बाद, क्योंकि जहाँ में गाड़ी खड़ी की वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था मंदिर, तो कल जाना पड़ा दुष्कंदा मंदिर के बारे में। ये मंदिर की लाइन में है, ये है मंदिर की लाइन। हम सारे जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन करने। अगर अंदर वीडियो बना ला होगा तो आपको दिखाएंगे, अन्यथा बाहर आके आपको बताएंगे कैसा रहा हमारा मंदिर का एक्सपीरियंस। गाइस ये है पूरा मंदिर ब्रह्मा जी का। यहाँ पर है ब्रह्मा जी की मूर्ति अंदर, जो पूरे विश्व में इंडिया में एक ही जगह पर इनका मंदिर स्थापित है, पुष्कर में, और कहीं भी नहीं इनका मंदिर। काफ़ी प्राचीन मंदिर, अच्छा मंदिर है ये, जरूर आए आप इधर अगर कुछ कराते हो तो। गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम डिनर करके अपने रूम में भी आ चुके हैं। जयपुर हम आज रात को नहीं निकलेंगे, बिकॉज